गुरुजी ये प्रश्न पूछा है अभय शुक्ला जी ने। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो अद्वैतवादी थे, अद्वैत में यकीन करते थे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ प्रार्थनाओं की कुछ रचना की है, अष्टकों की रचना की है, तो फिर उसकी वजह क्या है? शंकराचार्य का मूल उद्देश्य ये था कि भारत से जो वैदिक धर्म उखड़ रहा है, बौद्ध उसको उखाड़ रहे हैं, कुमारिल भट्ट इनके साथ मिले थे, तो वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करनी थी। भारत के अंदर से ये हालत हो गई थी कि जब कहीं कोई बौद्ध भिक्षु निकलता था तो उसकी परछाई जिस पर पड़ जाती थी उसके मुख से अपने आप निकलने लगता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इतना प्रभाव बुद्धिज्म का बढ़ गया था। कुमारिल जो थे जब भिक्षा लेने के लिए गए तो एक महिला छत पर बैठी थी, उसने कहा बाबा भिक्षा ले। वो कहने लगा मैं ऐसे छत पर से थोड़ी भिक्षा लूँगा, अगर भिक्षा देनी है तो साधु को जैसे दी जाती है नीचे। उसने कहा बाबा मैं नीचे आऊँगी तो मेरे धर्म की कौन रक्षा करेगा, नीचे आते किसी बुद्ध की परछाई पड़ गई तो मेरे मुँह से तो अपने आप ही निकलने लगा, मैं तो मैं अपना धर्म बेच के नीचे थोड़ी आऊँगी। तो कहने लगे हम इसीलिए निकले हैं, तेरे वैदिक धर्म की हम रक्षा करेंगे, तो हमें आकर। तो शंकराचार्य ने सैद्धांतिक दृष्टि से बौद्धों को परास्त करने के लिए, ये सिद्धांतिक दृष्टि है, सैद्धांतिक दृष्टि से यानी दार्शनिक दृष्टि से बौद्धों पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का लिखा। लेकिन शंकर ये भी जानते थे, शंकर ने दो चीज़ें लिखी हैं, दो लेवल की चीज़ें लिखी हैं। ज्ञानवान लोग हैं बड़े, वो अद्वैत को फिलॉसफी को समझ जाएंगे, और जो अज्ञानी हैं वो तो सारे बौद्ध बन जाएंगे, सारा हिंदुस्तान, तो उन्हें भी तो बचाना है बुद्ध धर्म से। तो शंकराचार्य ने दो स्तर माने हैं, जो कम ज्ञानी हैं यानी जो अज्ञान आश्रित हैं, वो जो परम पार ब्रह्म को देखते हैं वो माया के पर्दे से देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और माया का पर्दा जो है वो तीन गुण का है। जब वो रजोगुण के माध्यम से उसको देखते हैं तो ब्रह्मा, उनको ब्रह्मा दिखाई देता है, क्रिएटर है। जब वो उसको एक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो उनको वही ब्रह्म विष्णु दिखाई देता है, निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण हो जाता है, क्योंकि गुण के द्वारा देख रहे हैं वो। ये तीन गुण हैं प्रकृति के, वो इस प्रकृति यानी माया के, प्रकृति ने माया के तीन गुण हैं, तो इन माया के द्वारा वो ईश्वर को देखते हैं तो उन्हें वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ईश्वर दिखाई देता है। तो आम आदमी के लिए ईश्वर सत्य, निर्गुण ब्रह्म को जान नहीं सकता आम आदमी। अब जब ब्रह्म सत्य है यानी जब ब्रह्मा सत्य है, ब्रह्म विष्णु सत्य है, शिव जी सत्य हैं, तो उनकी आराधना करने के लिए मंत्र भी लिखने चाहिए। तो भज गोविंदम लिख दिया इन्होंने, और उस भज गोविंदम का कहा कि वही निर्गुण ब्रह्म है जिसको तुम माया के द्वारा देख रहे हो, सगुण होकर प्रकट हो रहा है, उसकी सगुण उपासना करने के लिए मैं तुम्हें लिख। तो जो आम आदमी के लिए फिलॉसफी लिखी है वो अद्वैत नहीं है, आम आदमी अद्वैत को बिल्कुल नहीं समझ सकता। आम आदमी के लिए सगुण ब्रह्म की बात की उन्होंने, और ये कह दिया कि सगुण ब्रह्म वो है जो माया से अच्छा देते हैं, इसलिए जो आदमी माया से ऊपर नहीं उठ सकते वो ईश्वर को इस तीन रूप में देखेंगे। तो उन तीन रूप में जो छोटे लेवल के आदमी हैं, नीचे के लेवल के आदमी हैं, उनके लिए जो लिखा उनके लिए उपासना की पद्धतियाँ भी लिखी और सारी लिखी, पंचदेव का वर्णन किया उन्होंने तीन की बजाय, और पंचदेव के लिए उन्होंने सारे मंदिर भी स्थापना किए, सारे गणपति ब्रह्म तो ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश तो थे ही, उसके लिए उन्होंने गणपति और सूर्य दो और ऐड कर दिया। तो पांच देव की पूजा करने का विधान जो है उन्होंने आम आदमी के लिए बनाया, और निर्गुण का ब्रह्म का उन्होंने फिलॉसफर्स के लिए या ज्ञानियों के लिए बनाया। तो ये दोनों तरह के लेवल पर आदमी को बौद्ध धर्म से बचाना था, सारे के सारे बौद्धिस्ट हुए जा रहे थे, दोनों स्तर पर बचाना था, आम आदमी को भी बचाना था
और दार्शनिकों को भी बुद्ध के दर्शन को भी खंडन करना था।